गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर आशीष और आप सभी लोगों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विज्ञान जिसे क्या बोलते हैं, साइंस, हमारे दैनिक जीवन में हर समय हर वक्त साइंस हमारे साथ है। लेकिन अब एक दिमाग में एक इमेज आती है, हाँ, जो हर बार हम साइंस बोल रहे हैं तो एक किस व्यक्ति की मेमोरी में से हम याद करते हैं। तो जो साइंस दिवस है, विज्ञान दिवस है, विज्ञान दिवस को हम रमन, सीवी रमन, आपने नाम सुना होगा, वैज्ञानिक सीवी रमन, इनकी याद में विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। और सीवी रमन ने एक इफेक्ट भी दिया साइंस है, रमन इफेक्ट। तो इनका जो रमन इफेक्ट था वो था 28 फरवरी 1928 में, और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बार बार हम साइंस पढ़ तो रहे, तो सबसे मेन है कि साइंस के जनक कौन है। तो साइंस के जनक कौन है, गैलीलियो गैली, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, गैलीलियो गैली। साइंस, साइंस का मतलब क्या होता, बार बार साइंस, आप साइंस एक बेसिक सब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग से पहले 1 to 5 EBS आप लोग स्टडी करते हैं और उसके बाद इसे स्टार्ट करते हैं एज द साइंस फॉर्म में। तो साइंस का फुल नेम क्या है, एस का मीन्स होता है सिस्टमेटिक्स, ओके, एस का मीन्स क्या है, सिस्टमेटिक। सी का मीन्स क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव, इसको लिख लीजिए, एस का मीन्स सिस्टमेटिक, सी का मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव, आई का मीन्स है इन्वेस्टिगेशन। सबसे मेन फोकस पॉइंट, हमें हर चीज पे इन्वेस्टिगेशन फोकस करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन। एंड ई का मीन्स एक्सप्लोरेशन, ओके, एन का मीन्स नेचुरल, एंड लास्ट में कॉजेज एंड इफेक्ट। इसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लोरेशन नेचुरल कॉजेज एंड इफेक्ट। दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है, सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लोरेशन नेचुरल कॉजेज एंड इफेक्ट। हिंदी में बोल सकते हैं व्यवस्थित व्यापक जांच पड़ताल और प्राकृतिक अन्वेषण, ओके ओके। तो ये यहाँ पे साइंस का फुल फॉर्म होता है। एक बार फिर हम आपसे बोल रहे हैं, एस का मीन्स सिस्टमेटिक, सी का मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव, आई का मीन्स इन्वेस्टिगेशन, ई का मीन्स एक्सप्लोरेशन, एन का मीन्स नेचुरल कॉजेज एंड इफेक्ट। इट्स द फुल फॉर्म ऑफ साइंस। और जो विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं, ये मनाते हैं 10 नवंबर को, दोनों ध्यान रखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और विश्व विज्ञान दिवस। जो अभी 28 फरवरी 2023, तो 28 फरवरी 2023 को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, किसकी याद में मना रहे, उनका नाम है सर सीवी रमन। इन्होंने कौन सा इफेक्ट दिया था, उसे बोलते हैं रमन इफेक्ट। ये दो तीन क्वेश्चन, एक पे क्वेश्चन माइंड में आते जाते हैं। हर दिन कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है, इस दिवस को हमें अपनी मेमोरी में याद रखना है और लोगों से बताना है, क्योंकि यदि हम उनको, लोगों को बताएंगे तो उनके बारे में लोगों को जानकारी होगी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ओके। तो सब्सक्राइब बोलो, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। तो मैंने आज जो बोला, दो तीन पॉइंट मैंने डिस्कस किए, एक तो 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं और इसके बाद ये नवंबर में आ जाए, 10 नवंबर, ध्यान रखिए। अभी मैंने क्या बोला, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 10 नवंबर इस दिन मनाते हैं विश्व विज्ञान दिवस। हर जगह साइंस है, यदि फैन भी मूवमेंट हो रहा तो वहां भी साइंस है, आप बैठे हैं तो साइंस है, ठीक है। जैसे बरसात की जो बूंदें आती है, क्यों आती है, वहां भी एक साइंस डिपेंड कर रहा। आप मंदिर में इंटर होते तो वहां भी साइंस है, ओके।
तो साइंस हर जगह हम लोग साथ और इस विज्ञान दिवस पर आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं डॉक्टर आशीष की तरफ से। थैंक यू।